खबर है शहडोल से। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राज्यीय पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों की हुई बैठक। वारंट तमिली बॉर्डर चेक पोस्ट, नक्सली समस्या व अन्य चुनावी विषयों पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर शहडोल सभा पुलिस एक्शन मूड में आ गई है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदान शांतिपूर्ण हो इसके लिए आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले के पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समन्वय की अंतर्राज्यीय बैठक हुई। इस बैठक में मध्य प्रदेश से शहडोल जोन के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक दिनेश चंद्र सागर सहित छत्तीसगढ़ सरगुजा जोन पुलिस महानिरीक्षक सहित मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती कलेक्टर SP शामिल रहे। इसमें गुंडों बदमाशों पर कार्रवाई, वारंट तमिली बॉर्डर चेक पोस्ट, नक्सली समस्या व अन्य चुनावी विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था, नक्सली गतिविधियों पर नजर बनाए रखने जैसे अन्य विषयों के मद्देनजर विस्तृत चर्चा की गई। विशेषकर आबकारी वॉलंटियरों के निष्पादन एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की चर्चा की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जिला व पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में जिले के जैतपुर थाना क्षेत्र में जिला पुलिस बल एवं केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की ओर से संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया। यह फ्लैग मार्च आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए निकाला गया। केंद्र में आई CRPF की कंपनी ने सड़क पर उतर कर मोर्चा संभाला। इंडिया 24x7 लाइव टीवी पर शहडोल से संवाददाता ब्रिजेश शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं DC सागर ED शहडोल जोन। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश के शहडोल जिला और अनूपपुर जिले से जो छत्तीसगढ़ के जिलों के बॉर्डर लगे हुए हैं, हमारे बीच में ये बॉर्डर मीटिंग हुई, समन्वयात्मक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरगुजा के IG, सरगुजा के कमिश्नर और यहाँ से AD शहडोल जोन और जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षक और जिला दंडाधिकारी और उनके प्रतिनिधि, इसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ के जिले लगते हैं सीमावर्ती उनके पुलिस अधीक्षक और उनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब ने मिलकर अपने अपने विचार साझा किए कि किस प्रकार से हम जो हमारे बॉर्डर के नाके हैं उनको प्रभावी रूप से संचालित करेंगे, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान किया और निर्विघ्न और शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपादित हों इसके लिए सब संकल्प हैं। और उनको ये भी बताया गया कि जो विधानसभा 2023 के चुनाव थे मध्य प्रदेश के, उसमें उत्कृष्ट कार्य के लिए ADG शेड्यूल जोन और उमरिया के कलेक्टर को पुरस्कृत भी किया गया कि वोटर टर्नआउट बढ़ा और बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए और ये जज्बा वहाँ के अधिकारियों में बढ़ाने के लिए इस बात को रखा गया। और साथ ही ये भी रेखांकित किया गया कि हम सब मिलकर भयमुक्त वातावरण करने में, लोगों को निर्भीकता से वोट करने में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे और वोटर टर्नआउट बढ़े ये हमारा उद्देश्य रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण रहे ये हमारा उद्देश्य रहेगा। इसी तरह से हमने जो वहाँ के दोनों राज्यों के जो जिले हैं उनके जो स्थायी वारंटी हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं, उन पर प्रभावी कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया और फोल्डर्स एक्सचेंज किए। हम सब मिलकर शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपादित कराने में कामयाब हों, इसी संकल्प के साथ ये बैठक संपन्न हुई। और साथ में उनको ये भी बताया गया कि जनता में जज्बा पैदा करने के लिए, वोटिंग के लिए इस प्रकार के स्लोगन्स आप दें कि संविधान का हूं मैं नायक, मेरा वोट बने निर्णायक, हर वोटर अपने आप को महत्वपूर्ण समझे, निर्णायक समझे, तो कोई वजह नहीं है कि जनता पूरी तरह से उत्साहपूर्ण तरीके से वोट डालने न जाए। और हम सब के संकल्प है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से वातावरण निर्मित करेंगे, पुलिस और प्रशासन जनता के साथ है और जनता को कोई वजह नहीं है कि वो वोट डालने में हिचक जाए, वो पूरे उत्सव के रूप में इस चुनाव को ले और अपने संवैधानिक मताधिकार का उपयोग करें। धन्यवाद, जय हिंद।